हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम दो यूनिवर्सिटी की बात करने फिर से जा रहे हैं और इसमें लास्ट डेट 21 अगस्त तक है। 28 सब्जेक्ट्स से 100 से भी ज़्यादा सीट हैं। ये मैं एक यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं, दो यूनिवर्सिटी के बारे में लेकिन इस एप्लीकेशन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आवेदन सभी के लिए है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट 24 सितंबर 2023 रहेगी। ऑल इंस्ट्रक्शन देंगे इसको, तो चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ पेपर अवेलेबल हैं। ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ जाकर आपको एक्युमुलेशन चार्ज पे करके ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। पेमेंट करने के जस्ट बाद आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा जहाँ से ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी होगी। कोई दिक्कत आती हो तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशंस की बात करें, उससे पहले बता दें कि डीडीयू गोरखपुर का आरईटी एग्ज़ाम जो 30 को होना था, 30 जुलाई को, वो अब पोस्टपोन हो चुका है। यानी कि यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो कि आरईटी एग्जामिनेशन इज़ रिशेड्यूल्ड एंड डेट विल बी अनाउंस सून। मतलब कि डेट नहीं बताई गई है, डेट आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बाद में पता चल जाएगी, बट एग्ज़ाम अब रिशेड्यूल होगा, अब 30 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगा। इस अपडेट से ये पता चल जाती है, ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। इसमें सबसे पहले नेहरू ग्राम भारती, ये डीम टू यूनिवर्सिटी है। एडमिशन 2023-24 क्रेट 2023-24 का फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर लिंक है, यहीं से आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन कर सकते हो। एडमिशन जो है वो नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी, यह प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश के, और यह एक बार कराती है अपना एंट्रेंस मोस्टली जुलाई में। तो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर हो गया है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है क्रेट के लिए, ठीक है। डिटेल कॉन्टैक्ट करने के लिए ये है, हम आपको पीएचडी वैकेंसीज एंड इसकी डिटेल्स दिखाते हैं। तो ये है नेहरू ग्राम भारती का नोटिफिकेशन, ये जो है डीम टू यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेहरू ग्राम भारती में क्रेट 2023 का जो प्रवेश है वो वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। एंड इसकी जो परीक्षा है वो 24 सितंबर 2023 को होगी। इसमें अर्थशास्त्र की 2 सीट हैं, भूगोल की 1 सीट है, समाजशास्त्र की 2 है, संस्कृत की 6 है, राजनीति विज्ञान में 2 है, दर्शन शास्त्र में 4 सीट हैं, गृह विज्ञान में 1 है, हिंदी में 14 है, अंग्रेजी में 4 सीट है, शिक्षा शास्त्र में 2 है, प्राचीन इतिहास संस्कृत और पुरातत्व विज्ञान में 6 है, पत्रकारिता और जनसंचार में 1 है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 1 है, संगीत में 2 है, विशेष शिक्षा में 4 है जिसे आप स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, शिक्षक शिक्षा में 20 है, कंप्यूटर प्रयोग में 1 है, प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में 2 है, विधि में 10 है, वनस्पति विज्ञान में 6, जंतु विज्ञान में 7, गणित में 2, भौतिक विज्ञान में 10, रसायन विज्ञान में 3, वाणिज्य में 6, समाज कार्य में 2। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट प्रयागराज में अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर लोग अप्लाई करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर 24 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, 21 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दे रहे हैं। अगली यूनिवर्सिटी जो है वो है जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ, ये नैक से ए ग्रेड प्राप्त डीम टू बी यूनिवर्सिटी ये भी है। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी को भी हम कवर कर ही रहे हैं आप लोगों के कहे अनुसार, जैसा कि आप लोग पहले कहते थे। तो आपको दो और डीम्ड यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जल्द ही कल तक देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हो आप 7 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन की एंड एंट्रेंस टेस्ट इसका 12 अगस्त 2023 को होगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पर आइए और यहाँ पर आकर आप पीएचडी एडमिशन की नोटिस देख सकते हैं और एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको खुद ही आके देखना होगा, हमने ज़्यादा समय आपका नहीं लेना है क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ पेपर है जो आपके किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।